चलो तो अब जैसे ये वाला हुआ, ठीक है, डेफर्ड में कुछ केस नहीं बन सकता। अब जैसे एक मैं तुमको सैंपल दिखा देता हूं अरियर्स का, ठीक है, अभी आ रहा वॉइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम होने से चैट बॉक्स में लिख देना। 0 1 2 3 डॉट डॉट एम एम प्लस 1 एम प्लस 2 डॉट डॉट एम प्लस एन, ठीक है, ये क्या है, एनविटी है एन ईयर्स का, ठीक है, बट डेफर्ड है एम ईयर्स के लिए, कुछ नहीं बोला है तो अरियर्स मान के चलेंगे, मतलब पहला पेमेंट यहां होगा, यहां होगा और फिर यहां पर होगा, राइट। सो अपने जब कर रहे हैं एन, तो वैल्यू कहां पर आ रहा है, एन जब कर रहे हैं तो वैल्यू यहां पर आ रहा है, फिर यहां से यहां लेके आएंगे तो क्या करेंगे, वी टू द पावर एम, ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसको। डेफर्ड एनविटी क्लियर हो गया। इमीडिएटली का मतलब क्या है, अभी, एडवांस, ड्यू। इमीडिएट का मतलब क्या है, जो कि डेफर्ड नहीं है, तो 0 या फिर 1। कर लो इसको फटाफट से कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट पुट द हेडिंग, कंपाउंड इंक्रीजिंग एनविटी। ठीक है, यहां पर लिख देना, इंक्रीज टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। क्या होता है, ध्यान देना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये डॉट 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 20 है। मान लेते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस जो है टुडे, आज है आपका 5,000, ठीक है, बट हम लोग को आज खर्चा नहीं करना है, हम लोग को जो खर्चा करना है वो हर साल के एंड पे करना है, हम लोग को जो खर्चा करना है वो हर साल के एंड पे करना है, और हर साल एक्सपेंस बढ़ता है 2% से, एंड जो रिस्क डिस्काउंट रेट है, रिस्क डिस्काउंट रेट मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, रिस्क डिस्काउंट रेट जो दिया है वो अपने को 10% दिया है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला, आज का मेडिकल एक्सपेंस है 5,000, तो एक साल बाद कितना होगा, जब पेमेंट करना होगा तब कितना हो जाएगा, 2% से बढ़ाएंगे तो 5,000 × 1.02, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 5,000 × 1.02 का स्क्वायर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 5,000 × 1.02 का क्यूब, डॉट 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 यहां पर क्या हो जाएगा, 5,000 × 1.02 to the power 20। अब इन सबका प्रेजेंट वैल्यू लो। मैंने बोला आज के मेडिकल एक्सपेंस मतलब टाइम जीरो के हिसाब से दिया हुआ है, बट टाइम जीरो पे होगा नहीं, हर साल के एंड पे होगा, तो कितना कितना आ रहा है बताइए, 5,000 × 1.02 वी प्लस 5,000 × 1.02 वी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5,000 × 1.02 वी टू द पावर 20। क्या है ये, जीपी है, कॉपी कर लीजिए पहले इसको, यहां तक कॉमन रेशियो क्या बनेगा, 1.02 वी, बस कॉपी कर लीजिए इसको। मैंने कंपाउंड इंक्रीजिंग एनविटी का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक परसेंटेज से बढ़ेगा,
ठीक है। अब इसको अगर हम लोग आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, कॉपी कर लीजिए। हुआ कॉपी? कैसे करेंगे आगे? 5000 आ जाएगा कॉमन। ए मतलब क्या? 1.02 बाय 1.1 1 माइनस आर, क्योंकि आर इज लेस देन 1, आर टू दी पावर एन है ना, बाय 1 माइनस आर, यही होगा ना। अरे बोलो, इसको पूरा को सॉल्व कर लो। बताओ आंसर कितना आ रहा है? वी है ना, V क्या होता है बताओ मेरे को, V क्या होता है? एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1 + i, 1/1 + i है ना, तो 1 + i क्या हो जाएगा, 1/1.1। कितना आ रहा आंसर? नहीं पूरा बोलो, ढंग से बोलो। हाँ 49 4969.1 5 9 49669.1 ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। पहला पेमेंट मान लो 10,000 का है, फिर आ रहा है 10,000 × 1.05, फिर आ रहा है 10,000 × 1.05 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हर साल 5% से पेमेंट बढ़ रहा है। तो पहले वाले में 1.05 टू द पावर 0 है ना, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, सब में एक कम है, तो यहां पर आएगा 10,000 × 1.05 to the power 19। और जो हम लोग को रिस्क डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो 12% का दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10,000 वी प्लस 10,000 इंटू बोलो 1.05 वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10,000 इंटू 1.05 टू द पावर 19 वी टू द पावर 20। तो अभी क्या हो जाएगा, 10,000 बाय 1.12 ये बाहर, अब अंदर में क्या बचेगा, ए 1 - r। तुम समझा, 10,000 वी सबसे अगर कॉमन ले लेंगे, एक स्टेप में और कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 10,000 बाय 1.12 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, 1 प्लस 1.05 वी प्लस 1.05 वी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1.05 वी होल टू द पावर 19, तो क्या आएगा, 10,000 बाय 1.12, ठीक है। कल तो तुम लोग किसी कॉलेज नहीं हुआ ना, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा,
कौन सा डिपार्टमेंट? कितना बजे से? 3 बजे से. और किसी का कॉलेज है कल? नहीं है ना, ठीक है. 10,000 by 1.12, ठीक है. 10,000 by 1.12 तो क्या आएगा? ए 1 माइनस, बोलो. आर, आर इज वॉट? बाय 1.12 टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर. सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए. कल बीकॉम मॉर्निंग का तो कॉलेज नहीं है ना? एक महीना. कब से चालू होगा कॉलेज फिर? 4 नवंबर से. ठीक है, तेरा कौन सा है? एक लाख 3,563. बाकी लोगों का कितना आ रहा है इसका आंसर? 103,563 आ रहा है. हाँ, एकदम सही है. यहां तक कर लो, 2 मिनट का ब्रेक है.
हाँ आज जो कम पढ़ाए वो कल मेकअप हो जाएगा, कल तुम लोग का शेड्यूल अभी कम्युनिटी पे आ जाएगा, ठीक है? डेली व्हाट्सएप कम्युनिटी भी चेक करना और डैशबोर्ड भी चेक करना, ठीक है? आओ, सबको वॉइस आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुट द हेडिंग, सिंपल इंक्रीज एनविटी। तो ये जो सिंपल इंक्रीज एनविटी है, ब्रैकेट में लिखो इंक्रीज टेक्स प्लेस बाय अ कॉन्स्टेंट अमाउंट। तो जब एक कॉन्स्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होगा, जब एक कॉन्स्टेंट अमाउंट से इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंक्रीज, ठीक है? पहले हम लोग अरियर्स वाला केस करेंगे, ध्यान देना। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, डॉट डॉट डॉट, और ये बोलो क्या है? ये एन है, ठीक है? ध्यान दो। तो वन पे वन का पेमेंट होगा, टू पे टू का, थ्री पे थ्री का, डॉट डॉट डॉट, एन पे एन का। मैंने पहला पेमेंट एक रुपया का है और हर एक पेमेंट कितना से बढ़ रहा है? एक रुपए से बढ़ रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वन वी प्लस टू वी स्क्वायर प्लस थ्री वी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन वी टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन वी टू द पावर एन, ठीक है? इसको मैं मान लो ए ले लेता हूं। तुम सारा चीज को ना वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ए को वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा क्या? वन प्लस आई इंटू ए, हा या ना? आएगा क्या? वन प्लस आई इंटू ए। तो वी इंटू वन प्लस आई कितना होता है? वन। एक टर्म सरकार के लिख रहे हैं, प्लस टू वी स्क्वायर इंटू वन प्लस आई कितना होता है? टू वी स्क्वायर इंटू वन प्लस आई कितना होता है बेटा, बताओ, ट्राई करो। हा, टू वी स्क्वायर इंटू वन प्लस आई होता है टू वी। टू वी स्क्वायर मतलब क्या? दो साल पुल्ड बैक है, एक साल आगे लेके जाएंगे तो एक साल पुल्ड बैक हो जाएगा, प्लस थ्री वी स्क्वायर प्लस फोर वी क्यू प्लस डॉट 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 प्लस बोलो, एक्सीलेंट, एन वी टू द पावर एन माइनस वन। बेटा ये सोच का पैसा दिया है, ये सोच अगर एक पेपर में आ जाए तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे पास सारे पेपर से कोचिंग लो। ये सोच का पैसा दिया, ये सोच आना चाहिए, ये कोई एग्जाम नहीं, ये एक सोच है। सोच नहीं आएगा कि हम लोग जब टू वी स्क्वायर को वी से मल्टी वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, ये सोच आना चाहिए, ठीक है? कितना आ रहा बताओ? वन प्लस आई माइनस ए करो तो ए प्लस आई ए माइनस ए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ए प्लस आई ए माइनस ए बताओ कितना होता है? आई ए। फिर 1 माइनस जीरो इज 1 प्लस टू वी माइनस वी इज वी प्लस थ्री वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस फोर वी क्यूब क्या होगा? वी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस बोलो एन माइनस वन वी टू द पावर एन माइनस वन, और माइनस में क्या आएगा? एन वी एन, क्योंकि इसका सारा टर्म्स क्या है? नेगेटिव। इस वाले का सारा टर्म्स क्या है? नेगेटिव। ये जो बच्चा बता दिया ना वो बच्चा पास है, ये क्या है? एनविटी फॉर एन ईयर्स पेड इन एडवांस, एनविटी फॉर एन ईयर्स पेड इन एडवांस, वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यू प्लस डॉट 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 वी टू द पावर एन माइनस वन। कॉपी कर लो पहले यहां तक, कॉपी कर लो पहले यहां तक। कल तुम लोग को मोस्टली 11:30 बजे आना है, टेस्ट तुम लोग का जो होगा वो पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है? इट्स अ एमसीक्यू टेस्ट, सॉल्विंग तुम लोग कर सकते हो, किताब कॉपी जो यूज करना है करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस आंसर से मतलब है, ठीक है? तो जो टेस्ट जो है कल तुम लोग को मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा, तो टेबल बुक लाना, जैसे आज का थोड़ा बच गया आधा घंटा का तो वो कल पढ़ा दूंगा, और कल का 1.5 घंटा। तो कल 11:30 बजे आ जाना, 11:30 से 1:30 टेस्ट है, उस 11:30 से 1:30 पढ़ाऊंगा 2 घंटा, और फिर उसके बाद टेस्ट है। टेस्ट का टाइम रखा है 2 से 3, बट जैसे उसको थोड़ा पहले जाना है तो तुम पहले देके जा सकते हो, ठीक है? सबको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? ये हो गया तुम लोग का, और आज का जो आधा घंटा छूट गया वो कल मेकअप करा देंगे। ये हो गया, हाँ कॉपी कर लो। बेसिकली अभी इंक्रीजिंग एनविटीज कर रहे हैं, इसका थोड़ा एक दो सम्स करके फिर इक्वेशन और वैल्यू कल करा देंगे।
हाँ उसी में दिया हुआ है। हाँ बाहर जाओ। हाँ कहाँ जा रही हो बाहर? नानी घर? सो ए डी यू एन माइनस, सो ए मेरा क्या आ जाएगा? ए डी यू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई। एंड ए का जो नोटेशन आता है वो है आई, आई डिनोट सिंपल इंक्रीज, आई ए एन, आई डिनोट सिंपल इंक्रीज। ये जो कैपिटल आई है ना, दिस आई डिनोट सिंपल इंक्रीज। ए एन तो पता ही है, एक आई जुड़ गया उसमें। देखो तो अब एक चीज देखना, एडवांस वाला केस में क्या होगा? ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, डॉट डॉट डॉट, एन माइनस वन और ये एन। जीरो पे होगा वन का पेमेंट, वन पे टू का, टू पे थ्री का, थ्री पे फोर का और यहां पर एन का। इसको बी ले लो तो बी क्या आएगा? वन प्लस टू वी प्लस 3v स्क्वायर प्लस 4v क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या आएगा? n v टू द पावर। अब सबको v से मल्टीप्लाई करो तो vb मेरा क्या आ जाएगा? v प्लस 2v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहां क्या आएगा? n माइनस वन v टू द पावर n माइनस वन प्लस n v टू द पावर n। वहां पर वैसे सरकार के लिखे थे, यहां पर ऐसे सरकार के लिखे हैं। अब माइनस करो, मैंने अब दिस माइनस दिस होगा तो बी आ जाएगा कॉमन। वन माइनस वी इज व्हाट? वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एन माइनस वन इज व्हाट? वी टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन वी टू द पावर एन। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन। कॉपी कर लीजिए यहां तक। और वन माइनस वी क्या होता है? डी है ना, तो दिस इज ए डी यू एन माइनस एन वी टू द पावर एन बाय डी। अब तुम लोग को ये तो समझ में आ गया हो, कोई भी एडवांस चीज है अगर तो उसमें डी आएगा। कल तुम लोग का दुर्गा पूजा के पहले लास्ट क्लास है, ठीक है? आज घर में जाके पूरा अच्छा से रिवाइज करके आना। एक क्लास एक्सेल का भी तुम लोग को कराया है, तो अब एक्सेल बेसिक्स करो और इक्वेशन ऑफ वैल्यू तक पूरा पक्का करो, ठीक है? दुर्गा पूजा के बाद में तुम लोग का बुकलेट टू का डाउट्स ले लेगा, ठीक है? थोड़ा आगे का वीडियो देखना चालू करो, लोन स्केड्यूल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये सब का थोड़ा वीडियो देखना चालू करो, ठीक है? टारगेट करो कि अक्टूबर एंड का भी जो छुट्टी है उसमें सर्टेन कैश फ्लोस पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है? हाँ 13 को हो सकता है, एक्सेल का क्लास हो सकता है। हाँ तो फिर 14 से होगा, ठीक है? और जो लोग भी एसेट दे रहे हैं ना, वो लोग सब हम लोग का डैशबोर्ड, जो लोग हम लोग से लिया है डैशबोर्ड में 20 मॉक पेपर्स है, उसको बार बार सॉल्व कर लेना, वो बहुत अर्जेंट है, मतलब वो तो इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हम लोग से ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो लोग आईआई का पास्ट पेपर होगा एसेट का, लास्ट 10-15 टर्म का पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेना, वैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये वाला तो इसका जो नोटेशन आता है आई ए डी यू एन, समझा ना? सिंपल इंक्रीज का आई हो गया ए डी यू एन, विच इज ए डी यू एन
माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय डी, ठीक है ना। सॉल्व कर लो। अब जैसे मान लो आई ए 20 दिया हुआ है एट द रेट 4%, तो क्या हो जाएगा, ए ड्यू 20 एट द रेट 4% माइनस 21.04 टू द पावर माइनस 20 बाय 0.04, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस 1.04 टू द पावर माइनस 20 बाय 0.04 बाय 1.04, ठीक है, माइनस 21.04 टू द पावर माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 0.04। सॉल्व कर लीजिए इसको, समझा ना। क्यों भैया, आरियर में भी तो एडी होता है, ये तो फॉर्मूला का क्रक्स है। तुम देखो, तुम समझा ही नहीं फिर इसका मतलब कहां गया, ये रहा। आई एन में भी तो एडीयू है, एडीयू एन माइनस एन वी टू दी पावर एन बाय आई, और आई ए डीयू में नीचे में डी है, तो मैं तो आई ए बोला, एडीयू कहां बोला, तो यहां पर तो एडीयू आएगा ही। तुम मिला क्यों रहे कि ए है तो यहां पर भी ए होगा, वैसा नहीं है, फॉर्मूला में नहीं आया ना वो तो फॉर्मूला का बात है। कितना आ रहा है आंसर बताइए ऑनलाइन में, कौन कौन सारा क्लास आया अभी तक, हाथ उठाओ। आज हम लोग का कौन सा नंबर क्लास है, 1, 2, 3, 4 छठवा है ना, कल सातवा है, ठीक है, थैंक्स टू मी। अब देखो बेसिकली सर्टेन कैश फ्लोज में, अब जैसे कल इक्वेशन वैल्यू एक बेसिक चैप्टर और बचा है, फिर मोटा मोटी हम तुम लोग का डाउट से कराएगा 13 से 18 के बीच में, ठीक है ना। तो अब पूरा खुद से करने का ट्राई करो जितना हो सकता है, ठीक है, जो डाउट होगा वो कराएंगे। अब 125.155, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, इसका कंटिन्यूअस वाला पार्ट बचा, उसमें दो फॉर्मूला है, बाकी सम्स कराएंगे और फिर इक्वेशन वैल्यू कराएंगे, ठीक है, थैंक यू एंड आज के लिए सॉरी।